साथियों नमस्कार, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी गुरुजी ऑफिशियल पर। साथियों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो पैरामेडिकल नर्सिंग फार्मेसी से जुड़ी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि आपका भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। साथियों और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं हम। वेबसाइट का नाम drrmlims.ac.in पे आप जाएंगे, उस पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसमें हम रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर जाएंगे। देखो शुरू से हम आपको बताएं इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। और ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जब आते हैं तो इसमें एक रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट पर सबसे पहला जो एडवर्टीज़मेंट है वो आपको दिख जाएगा, जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप ABC, ठीक है, थ्रू कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT एग्जामिनेशन होगा आपका, जिसमें कई सारी पोस्ट हैं जो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट हैं। जो डेट आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2022 से वैलिड बताया है 31 दिसंबर 2022। इसमें नीचे एडवर्टीजमेंट के डाउनलोड सेक्शन पे हम डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। इसको डाउनलोड को हम जब देखेंगे तो साथ ही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सेलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। साथियों सीधी भर्ती है, ऑल इंडिया की भर्ती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट है। आप देखते जाइए, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है साथियों, परमानेंट जॉब है। किसी भी राज्य का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक ही परीक्षा होगी, CRT परीक्षा होगी, ठीक है। फॉर्म भरने की जो डेट है वो अक्टूबर के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में, यानी अक्टूबर के थर्ड या फोर्थ वीक में आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि वेबसाइट है www.drrmlims.ac.in पे आप देखते रहिए। और बाकी की सारी जानकारी तो आपको हमारे चैनल पे मिलती ही रहेगी। विज्ञापन संख्या 4 से 19 आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या दे रखी है इसमें, इसको नोट करके रख लीजिएगा विज्ञापन संख्या को। और इसमें देखते हैं कौन कौन से पद हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले पद देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए इसमें कई सारे पद हैं, साइंटिस्ट बी न्यूक्लियर मेडिसिन में, इसके अलावा जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, साइंटिस्ट ए रिसर्च ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर सिस्टर ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट डाइटिशियन लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड, स्टोर कीपर कम परचेस असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फार्मासिस्ट ग्रेड 3, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, लोअर डिवीजन असिस्टेंट, आदि आदि पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट अगर आप देखेंगे तो 534 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें फार्मासिस्ट की जो पोस्ट रहने वाली है वो आपकी टोटल 17 पोस्ट हैं, ठीक है। 17 पोस्ट में 9 आपकी UR कैटेगरी में है, 3 आपके SC कैटेगरी में है, ST कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं दी गई है, OBC कैटेगरी में 4 पोस्ट हैं, EWS की 1 है, टोटल 17 पोस्ट हैं। स्टाफ नर्स की बात की जाए तो साथियों स्टाफ सिस्टर ग्रेड सेकंड की टोटल पोस्ट 431, यानी बहुत अच्छी वैकेंसी साथियों इसमें आई हुई हैं। तो आप इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो बिना किसी झिझक के अप्लाई कीजिए, बहुत ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। EWS में 29, OBC में 121, ST में 9 और SC में 79 और UR कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में आपकी 193 पोस्ट रहने वाली हैं, यानी टोटल 431 पोस्ट हैं आपकी। इसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की 10 पोस्ट हैं, लोअर डिवीज़न असिस्टेंट की 39 पोस्ट हैं, ठीक है। अब साथियों हम देख लेते हैं क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसकी सैलरी है। सैलरी की बात करें तो साथियों उसमें लेवल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और फार्मासिस्ट की बात की जाए तो 35,400 रुपये इसका बेसिक पे होने वाला है, इसके अलावा अलाउंस भी मिलने वाले हैं। और सिस्टर ग्रेड सेकंड की बात की जाए तो 44,900 रुपये आपका ग्रेड रहने वाला है। चलिए एलिजिबल की बात करते हैं साथियों, वैसे तो कई सारी पोस्ट हैं लेकिन हम बात करेंगे सिस्टर ग्रेड सेकंड की, जिसमें हमारी BSc अगर आपने किया है नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा BSc पोस्ट सर्टिफिकेट है, पोस्ट BSc सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अगर आप GNM किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेड की किसी भी हॉस्पिटल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगली हम देखते हैं पोस्ट फार्मासिस्ट की। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बी फार्मा किया है तो भी आप अप्लाई कीजिए। ये मत सोचिए इसमें आपको बी फार्मा नहीं लिखा, आप बी फार्मा हो फिर भी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ये ऑल इंडिया वैकेंसी है और इसमें डिग्री वालों को ही प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसी बात नहीं है कि डिग्री डिप्लोमा डिग्री इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है पैरामेडिकल फार्मेसी से जुड़ा, तो हम नर्सिंग स्टेट और उसके लिए फार्मेसी के लिए वीडियो बनाते हैं, और बाकी की पोस्ट है तो आप देखते रहना। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो साथियों 1180 रुपये फ़ीस आपकी लगने वाली है, ठीक है। और ऑनलाइन वेबसाइट तो आप देख ही रहे हैं, अक्टूबर माह के तृतीय चतुर्थ में आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, आप फॉर्म जब आएँ तो आप अप्लाई कर देना। बाकी के कुछ पूछना ताछना हो तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपके काम की लगी हो और अगर आप सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।